हेलो गाइस, तो आज का ये हमारा न्यू वीडियो है जिसके अंदर हमको स्टडी करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल डेवलपमेंट। मतलब कि जो बच्चा है, जो इंडिविजुअल है, जो कोई भी है, स्टूडेंट है, भले इंडिविजुअल है, जो स्कूल जा रहा है, जो स्कूल नहीं जा रहा, उसके अंदर जो वो भी है, उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, मीन्स टू से इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, यानी कि इन तीनों स्टेजेस के अंदर हमको अभी स्टडी करना है कि हमारी मेंटल जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे कैसे होती है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फैक्टर्स से कि कैसे कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे मेंटल डेवलपमेंट को। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारी फिजिकल हेल्थ। जैसे जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ ग्रो करती है, वैसे वैसे हमारी मेंटल हेल्थ जो होती है वो भी ग्रो करती है। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से कैसे जुड़ी होती है, अब हमको इसका कनेक्शन बनाना है। तो हमारी कनेक्शन कुछ इस तरीके से, जैसे जैसे कि मीन्स टू से, अब सपोज करो ए है, ए इंडिविजुअल है और बी इंडिविजुअल है। ए की हाइट गुड, क्या ले रहे हैं हम उसकी हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है बी, उसकी हाइट थोड़ी सी कम है, मान लो एवरेज हाइट है। हाइट की बात करें, ये स्टूडेंट ए है, ये इंडिविजुअल ए है, ये इंडिविजुअल बी है। हाइट जो ए की है वो काफ़ी अच्छी है और जो हाइट बी की है वो एवरेज है, ठीक है। तो अब हम इसके फिजिकल हेल्थ से मेंटल हेल्थ का कनेक्शन बनाना है। अब वो हम कैसे बनाएंगे, अब वो आप देखो। ए है, उसकी हाइट अच्छी है, बी है, उसकी हाइट एवरेज है। तो जो ए स्टूडेंट है उसको तो सभी बच्चे बोलते हैं कि भाई आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है आपकी हाइट की वजह से। और बी है जहाँ उसकी हाइट एवरेज है, हाँ भाई सबकी हाइट एवरेज है, उसकी भी हाइट एवरेज है। अब वो क्या सोचेगा, भी ए की हाइट इतनी अच्छी है, आश मेरी भी हाइट थोड़ी सी मतलब इंक्रीज हो जाती कि उसकी हाइट पहले से अच्छी लगती तो शायद उससे और अच्छा है, अच्छा लगता। तो उससे मतलब कि मेंटल हेल्थ को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आपको थोड़ा सा इन्फीरियरिटी महसूस होती है। वो उस महसूस करने के लिए जो आपकी मेंटल हेल्थ होती है वो थोड़ी सी अफेक्ट होती है। मीन्स टू से आपको सेटिस्फेक्शन उतनी अच्छी नहीं मिल पाती जितनी सेटिस्फेक्शन दूसरे को मिली। यानी कि जो इंडिविजुअल ए था उसकी हाइट अच्छी होने के कारण उसकी मेंटल हेल्थ तो अच्छी है। मतलब कि जरूरी नहीं कि फैक्टर सिर्फ हाइट का ही हो, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। स्पेशली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जिस एज में होते हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि क्यों, उनको बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, हमारे स्कूल की फीसेस, कॉलेजेस की फीसेस और घर के फाइनेंशियल क्राइसिस कईयों के होते हैं, कईयों के नहीं होते। कई मतलब कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होते, कई पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते। तो उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है पेरेंट्स की थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो इसीलिए किसी को इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी थी कि मतलब कि हमारी फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है इनहेरिडिटी और हेरिडिटी। हेरिडिटी प्रॉपर्टी प्रोवाइड्स फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रॉपर्टीज और करेक्टरिस्टिक्स। आप ये ना मत ही लिखना क्योंकि वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, मैं आपको समझा देती हूँ। मतलब कि मेंटल हेल्थ को हमारी हेरिडिटी भी अफेक्ट करती है। मीन्स टू से कि आपके जो दादा या परदादा थे, यानी कि ग्रैंडफादर, और जो आपके ग्रैंड ग्रैंडफादर थे, ग्रैंड मदर थी या फिर ग्रैंड ग्रैंड मदर थी, आप कैसी फैमिली से बिलोंग करती थी, वो भी आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। मीन्स टू से अगर हो जाता है कभी कभी, अगर मान लो आपके ग्रैंड पेरेंट्स मेंटली वीक थे, तो हो सकता है जो उनका ग्रैंडसन हो या फिर ग्रैंड डॉटर हो, उनको भी कभी कभी कोई मेंटल प्रॉब्लम हो जाती। नेक्स्ट है फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है। फैमिली एनवायरनमेंट का मींस ये नहीं होता कि फाइनेंशियली, इससे मतलब नहीं है। फैमिली एनवायरनमेंट से मींस ये है कि जो बच्चा है और जो फैमिली में उसकी पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, या फिर जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं जो उसकी फैमिली में इन्वॉल्व हैं, वो घर में कैसे बिहेव करते हैं, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल। जिस
स्कूल में आप पढ़ रहे हो, उस स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। हम पढ़ते हैं कि स्कूल में बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि हर किसी को मौका मिले ना, हर किसी को मौका मिले, इसलिए तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ताकि उसको मेंटली थोड़ा सा भी वो ना लगे कि भाई मैं तो पीछे रह गया। हमेशा इस बच्चे को पूछा जाता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है। इसलिए हमारा जो स्कूल होता है उसका भी एनवायरनमेंट जो होता है बहुत फेयर होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फीलिंग्स को टीचर्स के साथ शेयर कर सके, अपने व्यूज़ को टीचर्स के साथ शेयर कर सके, अपने थॉट्स को टीचर्स के साथ शेयर कर सके, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल स्टेटस। जो आपका इकोनॉमिकल स्टेटस होता है आपकी फैमिली का, आपके बैकग्राउंड का, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके मेंटल डेवलपमेंट को। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी की फैमिली वाले फाइनेंशियली स्ट्रांग है, किसी की फैमिली वाले इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है जो स्टूडेंट ए है जिसकी फैमिली का फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो ज़्यादा अच्छा है, तो हो सकता है कि उसकी ड्रेसेस है बहुत ज़्यादा अच्छी, और जो बी है जो थोड़ा वीक है फाइनेंशियली उसका ड्रेसिंग सेंस थोड़ा सा वीक हो, या फिर कह सकते थोड़ा सा अप टू डेट इतना ज़्यादा ना रहता हो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से, तो वो आपके मेंटल लेवल को डिस्टर्ब कर देता है, कई बार आपको थोड़ा सा इंफीरियरिटी महसूस होती है, इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है आपकी मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। तो ये तो हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। ये तो था सभी स्टेजेस के ऊपर, भले इन्फेंसी हो, भले चाइल्डहुड हो, भले एडोलेसेंस हो। तो अब हम टर्म बाय टर्म पहले इन्फेंसी की पढ़ेंगे, फिर चाइल्डहुड की पढ़ेंगे, और फिर एडोलेसेंस की मेंटल हेल्थ को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं मेंटल डेवलपमेंट किसकी, इन्फेंसी की। एक मिनट रुको, मुझे पेज फोल्ड करने दो और समझाऊंगी ना मैं अभी आपको। तो इन्फेंसी की बात करते हैं पहले, इन्फेंसी के अंदर जो हमारी मेंटल हेल्थ होती है वो कैसे कैसे अफेक्ट होती है। इन्फेंसी के अंदर जो बेबी होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, हमने पढ़ लिया है। देर आर नेचुरल रिफ्लेक्सेस इन अ चाइल्डहुड बेबी अफेक्टेड बाय द लाइट। जो चाइल्डहुड होता है उसके अंदर भी बहुत सारे नेचुरल रिफ्लेक्सेस आते हैं। अभी फिलहाल हम चाइल्डहुड की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इन्फेंसी की बात करें, यानी कि बेबी वाली स्टेज की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो बेबी होता है वो लाइट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, पहली बात तो ये होगी, पहला पॉइंट ये होगा कि जो बेबी होता है वो लाइट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सेस। अब जो बेबी होता है वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस से अफेक्ट करता है, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं। अब आगे इसके आपका मतलब आपको इसका आगे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, छोटा छोटा भी आप इसको एग्जाम में राइट डाउन कर सको, ठीक है। तो पहला है सकिंग रिफ्लेक्स, नेक्स्ट है रूटिंग रिफ्लेक्स, थर्ड है बेबिन्स की रिफ्लेक्स, और फोर्थ है मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है। सकिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग रिफ्लेक्स, बेबीज के रिफ्लेक्स और मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है। तो अब हम स्टडी करते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स, इन सकिंग रिफ्लेक्स वेन एवर वी ट्राइज टू टच द लिप्स ऑफ न्यू बॉर्न एंड ट्राइज टू एंटर एनीथिंग इन हिज और हर माउथ, ही और शी विल स्टार्ट सकिंग, इट डिसअपीयर अराउंड वन ईयर। मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी भी इन्फेंट या फिर किसी भी बेबी के मुंह के पास अपनी फिंगर या फिर आप कुछ भी उसको देते हो, उसके हाथ में पकड़ा देते हो, तो वो डायरेक्टली उस चीज़ को अपने माउथ के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये तो आपको समझा दिया कि सकिंग रिफ्लेक्स होता क्या है, अभी कब तक रहता है या फिर कब तक ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो एक साल का चाइल्ड होता है ये ज़्यादातर उसके अंदर होता है, एक साल की एंडिंग तक जो ये वाली उसके अंदर रिफ्लेक्स होती है इन्फेंट के अंदर ही खत्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है रूटिंग रिफ्लेक्स, इन दिस वेन एवर वी ट्राइज टू टच द लिप्स एंड चिक्स ऑफ बेबी, द बेबी विल स्टार्ट टू मूव हिज फेस टू वर्ड स्टिम्युलेटेड साइड, इट डिसअपियर अबाउट 3 to 4 months, 1 to 2 years इन्फेंट हैव आई साइट। मीन्स टू से इसका मतलब क्या है रूटिंग रिफ्लेक्स का, अगर आप किसी भी बेबी के लिप्स को या फिर उसके चीक्स को टच करते हो तो वो डायरेक्टली अपना फेस उसी तरफ घुमाएगा जिस तरफ से आपने उसके चीक्स या लिप्स को टच किया। अगर आपने उसके चीक्स राइट साइड चीक्स को आपने उसके टच किया तो वो राइट साइड में अपना फेस घुमाएगा, अगर आपने उसके चीक्स जो लेफ्ट साइड में उनको टच किया तो वो अपने फेस को लेफ्ट साइड में
घुमाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिमुलेशन वो डायरेक्टली उसी साइड में अपने फेस को रोटेट करेगा जिस साइड को आपने टच किया है, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्स होती है 3 से 4 महीने तक रहती है, और अगर इट डिसअपियर्स अराउंड 3 to 4 months, सॉरी, ये जो रिफ्लेक्स होती है 3 से 4 महीने के बच्चे के अंदर ख़त्म हो जाती है, मतलब कि 2 महीने 3 महीने तक के बच्चे अंदर तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स होगी। हो सकता है उसके बाद जो बच्चा डेवलपमेंट कर रहा है उसके अंदर ये वाली रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है 1 to 2 year इन्फेंट हैव आई साइट। जब 1 से 2 साल का बच्चा हो जाता है तब वो देखने लग जाता है, मतलब कि जिसकी आई साइट बच्चे की है वैसे ज़्यादातर बेबीज की होती है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना दिखे। तो मतलब जो 1 साल या फिर 2 साल का बच्चा होता है उसको आँख से दिखने लग जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो रूटिंग रिफ्लेक्स होती है ये भी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है बेबीज की रिफ्लेक्स इट अकर्स आफ्टर द सोल ऑफ द फूट हैज़ बीन फीमली स्टॉक द बिग टॉय देन मूव अपवर्ड और टूवर्ड द टॉप सरफेस ऑफ द फुट इट अकर आफ्टर, मतलब कि इसका बेबीज की रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी बच्चे के पैर को छू रहे हो, जिस तरफ से भी आप छू रहे हो उसका जो पैर का मूवमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि अगर आप उसके पैर को टच कर रहे हो तो वो अपने अंगूठे और अपने फिंगर्स जो कि पैर के हैं उसको वो हिलाना शुरू कर देता है अपवर्ड और टूवर्ड सेक्शन में। मान लो कि उसका ये पैर है तो अगर आपने उसको ऐसे टच किया तो वो ऐसे से हिलाना चालू कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्स या फिर कह सकते हैं उसको स्टार्टल रिफ्लेक्स। इट यूजुअली अकर्स व्हेन अ बेबी स्टार्टेड बाय लाउड साउंड और मूवमेंट। इन रिस्पॉन्स टू द साउंड द बेबी थ्रो बैक हिज और हर हेड एक्सटेंडेड आउट हिज आर्म्स लेग्स क्राइज देन पुल्स द आर्म्स एंड लेग्स बैक, ठीक है। मोरो रिफ्लेक्स या स्टार्टल रिफ्लेक्स तब होता है जब बहुत ज़्यादा जो बेबी है उसके अगर आसपास से उसकी सराउंडिंग से बहुत ज़्यादा लाउड वॉइस आ रही है या फिर कोई भी बहुत ज़्यादा लाउड साउंड का सोर्स है तब ये वाली रिफ्लेक्सेस बच्चे के अंदर देखने को मिलती है। तो ये रिफ्लेक्स होती कैसे है, ये रिफ्लेक्स वैसे होती है जब कोई भी बच्चा है कह सकते हैं मान लो कि डीजे बज रहा है उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बेबी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं जो भी उनकी उनकी जो भी वो होती है ना सुनने की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, तो वो ज़्यादा लाउड साउंड को सुन नहीं सकते, उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, ठीक है, तो फिर इसीलिए उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम को शो कैसे करते हैं, वो अपने हाथ और पैरों को ना झटकना चालू कर देते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ऊपर नीचे हाथों को बेड पे मारेंगे, मतलब कि अप डाउन करेंगे, अपने फेस को भी मतलब वो रोने लग जाते हैं, अपने हाथ पैर को फेंकेंगे, रोएंगे, ठीक है, ये मैंने सब इसके अंदर लिखा है। अपने हाथ को एक्सटेंड करेंगे फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब ऐसे फैला लेंगे पहले, ऐसे फैला लेंगे फिर बंद कर लेंगे, अपनी मुट्ठी को भी खोल लेते हैं कभी बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है मोरो रिफ्लेक्स या फिर कह सकते हैं कि स्टार्टल रिफ्लेक्स, ठीक है। और कलर डिफ्रेंशिएशन जो होता है 8 to 9 years, ये पॉइंट आपके इसमें नहीं है, ये 4 पॉइंट ही हैं मेंटल डेवलपमेंट में इन्फेंसी के, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक था, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, अगर वो भी इंग्लिश मीडियम की अगर उनको प्रॉब्लम आई स्टडीज़ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप उसको कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।